सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया बढ़िया कर होंगे अपनी लाइफ में। तो भाई देख सकते हो, लेजर अपनी खुली पड़ी हुई है। और भाई यार, आप सभी को पता है गाड़ी को 6 साल हो गए हैं। 6 सालों में गाड़ी में पिकअप का बहुत इशू था। मैं आप लोग को बताता भी रहता है कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद भी इसमें हल्का फुल्का पिकअप का सीन रहता है, थोड़ा सा गाड़ी मिसिंग करती है। तो भाई आज की जो वीडियो है उसमें हम प्रॉब्लम को सही से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, और वो ऐसे सॉल्व करने वाले हैं कि भाई आज की वीडियो में मैंने दोनों के दोनों कॉइल्स मंगा लिए हैं अपनी लेज़र के लिए। दिखाता हूँ मैं आप, तो ये देख सकते हो डबल प्लग की कॉइल है, तो ये सिंगल प्लग की कॉइल है, और साथ ही साथ मैंने इस बार मंगाया है कार्बोरेटर की स्लाइड भी। तो आप देख सकते हैं ये कार्बोरेटर की स्लाइड है। आपने बहुत बार सुना होगा कि NS में कार्बोरेटर से भी इशू आता है, स्लाइड का इशू। तो मैंने कॉइल्स और स्लाइड दोनों मंगा लिए। दोनों ही चीज़ें जिम्मेदार होती हैं पिकअप के लिए और मिसिंग की प्रॉब्लम के लिए। सीट खोल ली है, सीट खोलने के बाद टैंक खोलेंगे, टैंक खोलने के बाद कॉइल्स अंदर लोकेटेड होती हैं। तो जल्दी से इसकी कॉइल चेंज करते हैं। तो भाई टैंक खोल दिया है और देख सकते हैं ये अंदर का हिस्सा होता है। तो ये है कॉइल, इस तरफ की ये रही और दूसरे साइड की ये है। तो यार कॉइल्स में ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गाड़ी को 6 साल हो गए तो थोड़ा अंदर से सीन रहता है कि यार कॉइल चेंज करा ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, इतना वक्त हो गया गाड़ी को। तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो इनको चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे नई वाली कॉइल से। तो ये है पुरानी कॉइल है, हाँ ये ब्रांड न्यू है। तो एक मेरे हाथ में है 6 साल पुरानी अपनी लेज़र से निकली हुई कॉइल, और ये है ब्रांड न्यू जो मैंने अभी मंगाई है। कंपनी भी दोनों की सेम है यार, कंपनी भी सेम है दोनों की, और मतलब बहुत हद तक एक जैसी है। तो उसको अब जल्दी से लगा लेते हैं। एक कॉइल तो लग गई है, अब सबसे मेन वाली कॉइल चेंज करनी है, प्राइमरी वाली। तो हमने दो मंगाई हैं कॉइल्स, ये तो चेंज हो गई है, अब दूसरी चेंज करना। उसके लिए तो टैंक ही उतरेगा मुझे ऐसा लग रहा है ना, टैंक ही उतरेगा उसके लिए। चलो उसको उतारते हैं। तो टैंक हमने खोल दिया है और यहाँ पे लोकेटेड है प्राइमरी प्लग। कॉइल तो ये रही, लेकिन मेन सीन ये रहता है ना कि सब कुछ NS में बिल्कुल ही अंदर ऐसे लगा रखा है कि आपको ये सब चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। तो ये वाला पार्ट खोलने के बाद हमें बिल्कुल ही एक्सेस मिल जाएगा, आराम से हम लोग चेंज कर लेंगे। तो हम इसको खोल के देन इस कॉइल को चेंज करते हैं। तो ये देख सकते हैं निकल गया है, और यहाँ से पूरा ऐसे करके। तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा NS में रहता है यार, क्यों सूरज भाई है नहीं है, बहुत ज़्यादा है ना। पुरानी एक मिनट दिखाओ, सेम टू सेम है एकदम। पावर की ये भी है, ये भी पावर कंपनी की है। ये खाली पार्ट नंबर अलग होता है ये देखिए। हाँ पार्ट नंबर अलग अलग होता है, पार्ट नंबर अलग हो जाता है क्योंकि वो टाइम हो जाता है। हाँ ये आपकी गाड़ी की संख्या है। हाँ ये गाड़ी की संख्या है। तो इधर का प्लग लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी अंदर है, बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा अंदर है, जगह नहीं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद ली जा रही है और देखते हैं। हाँ कस गया, बैठ गया एक दो पॉइंट। हाँ बैठ गया। तो भाई देख सकते हो दोनों के दोनों कॉइल्स लग चुकी हैं, और अभी तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि अभी इसकी कार्बोरेटर की स्लाइड भी चेंज होगी। तो भाई आज की वीडियो में हमने सिर्फ कॉइल्स को चेंज किया है, एंड अगली वीडियो जो कल आने वाली है उसमें हम कार्बोरेटर का पूरा स्लाइड चेंज करेंगे, एंड दैट टू पूरी की पूरी सर्विस भी दिखाएंगे कि कार्बोरेटर की पूरी सर्विस कैसे होती है, क्लीनिंग वगैरह कैसे होती है। एंड ये सब चीज़ें करने के बाद फिर इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो भाई मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी ज़रूर से देखें। एंड गाइज आज की वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड गाइज ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।